हमेशा अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। यात्री प्रतीक्षालय का छत जर्जर होने को लेकर ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, जिला परिषद पर लगाया आरोप। बैरिया प्रखंड क्षेत्र के तुमकड़िया पंचायत के गुलाब चौक पर बने हुए यात्री प्रतीक्षालय जर्जर होने को लेकर मंगलवार को अगल बगल के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं पंचायत के सरपंच मंसूर गद्दी का कहना है कि यह यात्री प्रतीक्षालय का छत बहुत ही जर्जर हो गया है, इसे बांस के सहारे रोका गया है। यहाँ पर 3 से 4 गाँव के यात्री आकर ठहरते हैं और अपने गंतव्य स्थान को सवार पकड़ते हैं, जो काफी जर्जर हो गया है। कभी भी अनहोनी घटना हो सकती है। इसको लेकर क्षेत्र संख्या 34 के जिला परिषद प्रतिनिधि अरमान अंसारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनको कई बार सूचित किया गया, लेकिन इस क्षेत्र में कभी भी नहीं आए। मैं पत्रकारों के माध्यम से प्रतिनिधियों के पास ये सूचित करना चाहता हूँ कि यात्री प्रतीक्षालय का रिपेयरिंग अविलम्ब करवाया जाए, नहीं तो कभी भी गिर सकता है। मौके पर मौजूद जिब्राइल अंसारी, मोहम्मद गद्दी, हनीफ गद्दी, सूरज शाह, मुस्लिम मियाँ, सत्तार मियाँ, सुभाष गुप्ता आदि उपस्थित रहे। बताइए क्या दिक्कत है, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम मंसूर अली गद्दी है। मैं तुमकड़िया पंचायत का सरपंच हूँ और यहाँ के लोगों के शिकायत पर यहाँ पर आए हुए हैं। सब लोग आए यहाँ बांस और सहयोग से बांस का एथी लगाया गया है और यह यात्री शेड है। यात्री लोग यहाँ पे आके ठहरता है और देखिए जी, ये जाने के कागार पर है। हम लोग जिला परिषद के सदस्य यहाँ पे अरमान अंसारी जीते हुए हैं, उनसे हम लोगों ने कई बार कहा, उनकी पत्नी शायद जीती हुई हैं, लेकिन प्रतिनिधि वही हैं, वही फील्ड में घूमते हैं। हम लोग कई बार कहें कि भाई आके देखिए भाई, ये जिला परिषद का यहाँ पे शेड है, यात्री लोग बैठता है, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं किए, यहाँ आईबो नहीं किए।